का नेम है लाइट कैश। तो गाइस इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं लाइट कैश एप्लीकेशन का लोन प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा और उसके साथ साथ ये बताऊंगा कि लाइट कैश एप्लीकेशन सच में लोन प्रोवाइड करता है कि नहीं, और ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, और आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो गाइस जरूर वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा, और गाइस अगर कोई चैनल पर नए विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। तो गाइस चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस लाइट कैश लोन एप्लीकेशन को ओपन करने के टाइम पहले इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद आ जाएगा लोन अमाउंट और टेन्योर डे सिलेक्ट करने का ऑप्शन। तो ये पे लोन अमाउंट और टेन्योर डे सिलेक्ट करने के बाद आ जाएगा बैंक अकाउंट डिटेल्स का ऑप्शन। बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल करने के बाद आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स का ऑप्शन। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स फिल करने के बाद आ जाएगा पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के बाद आ जाएगा लोकेशन डिटेल्स का ऑप्शन। लोकेशन डिटेल्स फिल करने के बाद आ जाएगा कंप्लीट योर केवाईसी का ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पे केवाईसी कंप्लीट करने के बाद स्टेप के इंटरफेस आ जाएगा लोन अप्रूवल पेंडिंग। तो ये पे आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना होगा। थोड़ा सा वेट करने के बाद आप लोगों को दिखाया जाएगा कि इतना तक की लोन का अप्रूवल मिल चुका है। और गाइस जब आप लोग लोन अमाउंट को बैंक खाते में ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो स्टेप के इंटरफेस आ जाएगा बैंक ट्रांसफर फेल्ड। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आपको जो भी लोन अमाउंट का अप्रूवल मिला है वो लोन अमाउंट बैंक खाते में पाने के लिए पहले आपको एक एडवांस भी पे करना होगा। और गाइस एडवांस भी पे करने के लिए लाइट कैश एप्लीकेशन की तरफ से प्रोवाइड किया गया बैंक डिटेल्स आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस अभी बात यह कि अगर आप लोग लाइट कैश एप्लीकेशन की तरफ से लोन पाने के लिए लाइट कैश एप्लीकेशन की तरफ से प्रोवाइड किया गया बैंक डिटेल्स पे पहले एडवांस भी पे कर देते हैं तो आगे जाके लाइट कैश एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। क्योंकि गाइस लाइट कैश एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन लोगों को लोन देने के नाम पे सिर्फ लोगों से एडवांस भी ले लेता है और आगे जाके लोन प्रोवाइड नहीं करता है। तो गाइस लाइट कैश लोन एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है और आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें और लोन के लिए पहले एडवांस भी पे ना करें। तो गाइस अभी आप लोगों को मैं लाइट कैश लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दिखाऊंगा। रिव्यू देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि लाइट कैश लोन एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो रिव्यू देख सकते हैं, इन्होंने इस एप्लीकेशन पे 50,000 लोन के लिए पहले 1,499 रुपीस पे कर चुके हैं, बट आगे जाके लाइट कैश लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन नहीं मिला है। नीचे और भी देख सकते हैं, इन्होंने भी इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए 1,499 रुपीस इंश्योरेंस अमाउंट पे कर चुके हैं, बट आगे जाके लाइट कैश लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन प्रोवाइड नहीं किया गया है। नीचे और भी पे ये कहा गया कि फेक ऐप डोंट पे एनी अमाउंट। नीचे और व्यू पे ये कहा गया कि फेक ऐप प्लीज डोंट इंस्टॉल। और इन्होंने भी इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए 1,499 रुपीस पे कर चुका है, बट आगे जाके लाइट कैश लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन नहीं मिला है। तो गाइस लाइट कैश लोन एप्लीकेशन के बारे में क्रिटिकल पे जितने सारे रिव्यू दिए गए हैं, रिव्यू देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि लाइट कैश लोन एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। और गाइस आप लोग खुद जाकर प्ले स्टोर में लाइट कैश लोन एप्लीकेशन का रिव्यू चेकआउट कर लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि लाइट कैश लोन एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है और ये एप्लीकेशन अभी तक कितने सारे लोगों के साथ लोन के नाम फ्रॉड कर चुका है। तो गाइस लाइट कैश लोन एप्लीकेशन एक फ्रॉड एप्लीकेशन है और आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें और लोन के लिए पहले एडवांस भी पे ना करें। तो गाइस यही था आज का एक छोटा सा जानकारी। तो आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।